नमस्कार, मंच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खबरों के सफर में मैं हूं आपके साथ हेमंत शर्मा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और नजर डालते हैं आज दिनभर की कुछ खास खबरों पर। थाना मार्ग क्षेत्र के गांव डांगोली में आश्रम में सोते एक वृद्ध की अज्ञात लोगों ने गला रेतकर हत्या कर दी। इस घटना के पीछे जमीनी रंजिश बताई जा रही है। घटना की खबर पाकर SSB स्वप्निल मंगाई मौके पर पहुंच गए, घटनास्थल का निरीक्षण किया। ये शव है 60 वर्षीय साधु बाबा रामदास का। बाबा रामदास ग्राम डांगोली मठ में गांव से बाहर एक निर्माणधीन आश्रम में रहकर पूजा अर्चना करता था। रविवार की रात अज्ञात लोगों ने आश्रम में सोते बाबा को दबोच लिया और उसकी किसी धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। सुबह जब ग्रामीण रोजाना की तरह आश्रम पहुंचे तो साधु का रक्त रंजित शव देखा तो तत्काल मार थाना पुलिस को खबर की। बताया गया कि साधु रामदास जिला देवास मध्य प्रदेश का रहने वाला था। उसका जमीन पर आश्रम बनाने को लेकर गांव के कुछ लोगों से विवाद भी चल रहा था। घटना की खबर पाकर SSP स्वप्निल बमगाई मार्ग पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जहां घटना के बारे में बताया। मामला रहा इसमें, ये बुर्जा आश्रम है डांगोली खादर में। महंत रामदास जी रह रहे थे यहाँ पे। इनके पिताजी का नाम जो आधार कार्ड में मिला है वो गणेश दास जी है। इनकी गला काट के रात में हत्या कर दी गई है। सर, इसमें क्या प्रथम दृष्टया मामला नज़र आ रहा है? प्रथम दृष्टया इनका मुकदमा चल रहा था मंदिर की ज़मीन को लेकर, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसको लेकर इनकी हत्या की गई है। सर, इनका जो मोटरसाइकिल है और मोबाइल वगैरह और सामान वगैरह यहाँ से गायब है। मोटरसाइकिल उनका मोबाइल यहाँ पर नहीं है, इसकी भी जाँच की जा रही है। ये लगता है हत्या करने के बाद मोटरसाइकिल और मोबाइल लेके चले गए। थाना यमुनापार क्षेत्र में 2 ट्रकों के बीच में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में क्लीनर ट्रक के अंदर दब गया। घायल क्लीनर को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां उपचार न मिलने की स्थिति में उसने दम तोड़ दिया। ये शव है गौतम बुद्ध नगर निवासी आमिर का। आमिर एक ट्रक पर क्लीनर के रूप में कार्य करता था। वो रात को ट्रक पर सवार होकर अपने गंतव्य स्थल की ओर जा रहा था। ये ट्रक यमुनापार क्षेत्र में यमुना पुल के समीप पहुंचा ही था कि तभी सामने की ओर से आते एक अन्य ट्रक ने टक्कर मार दी। इस जबरदस्त टक्कर में आमिर ट्रक के अंदर फंसा रह गया। बमुश्किल पुलिस ने उसे ट्रक से बाहर निकाला और उपचार के लिए उसे जिला अस्पताल भेजा। जिला अस्पताल में पूरी रात गुजर गई, लेकिन उसका उपचार नहीं किया गया, लिहाजा अत्यधिक खून बह जाने के कारण आमिर की जिला अस्पताल में मौत हो गई। इस घटना के संदर्भ में जानकारी देते हुए मृतक के भाई अशरफ ने बताया कि अगर जिला अस्पताल में उसे सही उपचार मिलता तो उसके भाई की जान बच सकती थी। मेरा नाम अशरफ है, नंगला हांडा गांव से हूँ। जी, मरने वाले हैं कौन लगते हैं आपके? मेरा भाई है छोटा। हुआ क्या था? एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, किस चीज़ से? ये ट्रेला से एक्सीडेंट हुआ है। ये बाइक पे थे? नहीं, बाइक पे नहीं थे, ये भी ट्रक में थे। अच्छा, तो जो मृतक घोषित हुए कहाँ हुए? ये मृतक घोषित हॉस्पिटल के अंदर हुए। अगर इनको उपचार ठीक से मिल जाता, डॉक्टर ठीक से उपचार करते तो ये बच जाते। वहाँ पे बताया कि हमें खबर सुबह में लगी है कि ये लड़का 2:30 बजे तक तड़फा है। वहाँ पे बहुत जोर से चीख आया, रोया, जबकि इसके चोट काफ़ी नहीं है, पैरों में चोट है हल्की सी। अच्छा, जिससे ब्लड रिसाव हुआ है। तो ये ट्रक में था और ट्रक से भिड़ंत हुई है? ट्रक में था, ट्रक से भिड़ंत। कहाँ की बात रही है? ये जमुना पुल के पुल से पहले की बात है। जमुना पुल से पहले रात में? जी, रात में 9 बजे समथिंग। खत्म कैसे? ये खत्म हुआ है सुबह में 4 बजे समथिंग। अत्यधिक खून बह जाने के कारण? जी, ज़्यादा खून बह जाने के कारण। अस्पताल में कोई भी एक बुढ़िया थी, अम्मा थी, उन्होंने हमें बताया कि अगर इन्हें इलाज मिल जाता। मैं बार बार जा रही थी डॉक्टरों के पास, मगर डॉक्टर कोई नहीं आया। जिला अस्पताल में सरकारी। लापरवाही बरती है इसके साथ? पूरी लापरवाही बरती गई, तभी ये खत्म हुआ है। अगर लापरवाही नहीं बरती गई होती तो ये बच्चा सही होता हमारा। कितनी उम्र होगी? 18 साल उम्र है इसकी। रिफाइनरी क्षेत्र में राजमार्ग पर अज्ञात वाहन ने एक साइकिल सवार को रौंद डाला। इस दुर्घटना में साइकिल सवार वृद्ध की उपचार के दौरान मौत हो गई। वृद्ध कर्मयोगी नगर का चौकीदार था। ये शव है कर्मयोगी नगर रिफाइनरी के रहने वाले 60 वर्षीय किन्नर का। मूल रूप से बांदा का रहने वाला किन्नर कर्मयोगी नगर में पिछले 30 साल से चौकीदारी कर रहा था। रविवार की शाम किन्नर साइकिल पर कुछ सामान लेने जा रहा था, तभी राष्ट्रीय राजमार्ग पर अज्ञात वाहन ने उसे रौंद डाला। इस दुर्घटना की खबर पाकर पहुंचे परिजन किन्नर को उपचार के लिए अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान किन्नर ने दम तोड़ दिया। इस घटना के बारे में किन्नर के बेटे ने जानकारी दी। ये आपके पिताजी हैं? जी।
कैसे हुआ एक्सीडेंट, कहाँ काम करते थे? ये कर्मियों की नगर, ये जो कंपनी में काम करते थे चौकीदारी का। अच्छा, चौकीदार का कर्मियों की नगर में जी। कब से काम करते थे? ये लगभग 30 साल हो गए। 20 साल? 30 साल। 30 साल जी। तो एक्सीडेंट कैसे हुआ? ये साइकिल से जा रहे थे सौदा पानी खरीदने, और उसी पीरियड में। कितने बजे की बात रही है? करीब 4 बजे। कहाँ की बात है? नेशनल हाईवे की बात है जी। नेशनल हाईवे हुआ एक्सीडेंट जी। अज्ञात वाहन टक्कर मारी है इसमें जी। पता नहीं लगा किसने टक्कर मारी जी। तो मौके पे ही खत्म हो गए थे या अस्पताल ले गए थे? अस्पताल ले गए थे। तो खबर कैसे लगी आपको एक्सीडेंट हुआ इनका? फोन के माध्यम से, इनके पास फोन था, फोन किया गया तो उन्होंने, दूसरे आदमी ने बताया इस बूढ़े का एक्सीडेंट हो गया, फला जगह हैं, ले जाइए, एम्बुलेंस द्वारा लाए गए। जय गुरुदेव आश्रम के समीप बल्लभ कुंज फेज 3 में एक गिरासू खंभा टूटकर गिर पड़ा। इस खंभे की चपेट में आकर स्थानीय महिला घायल हो गई। घायल को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। ये दृश्य है जय गुरुदेव आश्रम के समीप बल्लभ कुंज फेज 3 का, जहां पिछले कई दिनों से विद्युत का 11,000 केवी लाइन का खंभा गिरासू स्थिति में था। गिरासू खंभे की शिकायत स्थानीय लोगों ने कई बार विद्युत विभाग में की, परंतु विद्युत विभाग के कानों में जूं तक नहीं रहेगी। लिहाजा ये खंभा सोमवार की दोपहर टूटकर गिर पड़ा। इस खंभे की चपेट में आकर स्थानीय महिला ओमवती दुबे घायल हो गई। घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस घटना पर होश में आए विद्युत कर्मी मौके पर पहुंच गए और फिर वही किया जो उन्हें बहुत पहले करना था। केवल यही नहीं बल्कि शहर में ऐसे न जाने कितने विद्युत पोल हैं जो गिरासू स्थिति में हैं और कभी भी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं, लेकिन विद्युत विभाग बेखबर बना हुआ है। इस दुर्घटना के संदर्भ में घायल महिला ने जानकारी दी। मैं लेटी हुई थी तखत पे, तो बगल में खंभा था, अचानक ऐसा लगा कि झुक रहा है। पहले तो मैं सोच रही कि झुक रहा है या मुझे लग रहा है, जब तक मुझे मालूम पड़ा कि झुक ही रहा है तो मैं उठ के एकदम आगे बढ़ना चाहा, तब तक तो उठ नहीं पाई, मेरे कंधे पे आगे गिरा, मैं दब गई उसके नीचे। तो किसकी लापरवाही है? ये बिजली विभाग की लापरवाही होगी, जो खंभे इस तरह के बिल्कुल नीचे से गल गए, पता नहीं कैसे लगाए। अन्य खंभे भी बता रहे हैं जर्जर हैं। हाँ हाँ, और ये वो तो बहुत बड़ा हादसा और होने से बच गया, उधर भी वो खंभा कमजोर है बिल्कुल, हाई टेंशन का है, 11,000 वोल्टेज जा रही है उसको। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही, अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, आप देखते रहिए मंच न्यूज़।